हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो है पेट्रोल की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल उतर आई है जो कि रजिस्ट्रेशन मॉडल है और वो बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है केवल पेट्रोल को लेकर के। तो पेट्रोल बचाएं और इलेक्ट्रिक सिटी का प्रयोग करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सबसे बड़ी बात, आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ जो कि पेट्रोल से ज़्यादा परेशान हो। बहुत सारे लोगों की मनपसंद बाइक जो कि कोमा की M5, जी हाँ फ्रेंड्स, अभी ये लॉन्च हो चुकी है लेटेस्ट में और आज हम लोग इसका फुल रिव्यू देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस क्रिएट कर रही है अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, जी हाँ फ्रेंड्स। और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। हम तो इसको चला रहे हैं कुछ दिनों से तो हमको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस क्रिएटर मिला और अभी हम लोग इसको जो देखते हैं और फुल रिव्यू देखते हैं। तो चलिए एक बार वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके ओवरऑल लुक से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है गाड़ियों में, बाइक के टायर्स। इसकी ग्रिप्स क्वालिटी आप देखिए, कितने बड़े इसमें ग्रिप्स दिए गए हैं जो कि किसी भी तरह की रोड पे कभी भी स्लिप होने की कंडीशन में नहीं आते हैं। उसके अलावा बात की जाए इसके रिम की, रिम देखिए कितना अट्रैक्टिव बनाया गया है, रेड कलर की शाइनिंग के साथ है, चलने में एक अलग ही लुक देता है। ये डबल डिस्क ब्रेक जो कि अपनी आप में ग्रिप क्वालिटी, एक बहुत बढ़िया ग्रिप क्वालिटी प्रदान करती है ब्रेक लगाने पे। और इसमें ABS का भी फीचर है। अब जैसे जैसे हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, इसके लुक में चार चांद लगाने वाली हेडलाइट लगी है, देखने में बिल्कुल ट्रांसफार्मर का लुक देती है और LED जलने के बाद तो क्या बात है। और इसमें साइड दो इंडिकेटर दिए हैं जो कि येलो रंग से, जैसे कि सारी लाइटों गाड़ियों में जलते हैं, येलो रंग से जलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका हेड देखने पे बिल्कुल प्रीमियम लुक की बाइक आती है, क्या हेड है। बात हो चुकी है, अब आते हैं इसके हैंडल पे। हैंडल पे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे बटन दिख रहे होंगे। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो आप इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के फंक्शन भी हैं इसमें दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी ब्रेक। ब्रेक देखिए बहुत ही प्रीमियम स्टेनलेस स्टील की बनी है और डिस्क ब्रेक का जो टैंक है वो भी देखिए कितना प्रीमियम क्वालिटी का बना है और ब्लू कलर का इसमें कांच दिया गया है जो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है और इसे अट्रैक्टिव बनाता है। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ दी गई है हैज़र, इससे चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। जैसे ही उसके नीचे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, आपको बटन दिख रही है, ये पार्किंग मोड है। पार्किंग मोड करने पर गाड़ी बैटरी से डिसकनेक्ट हो जाती है और रनिंग कंडीशन में नहीं आती। उसके नीचे आपको दिख रहा है गियर सिस्टम, जैसे कि बाइकों में गियर सिस्टम होता है, इसमें 1, 2, 3 स्पीड लेवल होता है। उसके नीचे R बटन आपको दिखाई दे रही है, ये रिवर्स का इंडिकेटर होता है कि मतलब अगर आप गाड़ी को पीछे करना चाह रहे हैं तो आप रिवर्स बटन दबाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट साइड पे आते हैं, नेक्स्ट साइड पे हमें ये दिखाई देता है, अपर डिपर की बटन दिखाई देती है, फिर इंडिकेटर कंट्रोलर दिखाई देते हैं, उसके नीचे एक हॉर्न दिखाई देता है और उसके साइड में एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड की गई है जिसे बोलते हैं ब्लूटूथ कंट्रोल। आप मोबाइल को इस ब्लूटूथ कंट्रोल से कनेक्ट करा के आप डायरेक्ट कॉल पिक भी कर सकते हैं और बाइक में गाने भी सुन सकते हैं। को तो पहले से ही पता है ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें टैंक की तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बट यहाँ कोमाकी ने एक बहुत ही प्रीमियम और उमदा क्वालिटी का टैंक प्रोवाइड किया है। टैंक के अंदर पेट्रोल ना डाल के आप किसी भी सामान को रख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अप्रॉक्स के अंदर आपको एक चार्जिंग पॉइंट भी दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये चार्जिंग पॉइंट। इसके अंदर आप अपना चार्जर को भी कैरी कर सकते हैं, इतना बड़ा ये टैंक है। तो ओवरव्यू आप देख ही लीजिए क्या लुक दिया गया है यहाँ पर। कंडीशन पे देखिए आपको ग्रिल हाइलाइटिंग दी गई है, साथ में क्या लुक दिया गया है, बिल्कुल FZ की तरीके का लुक दिया की जाए, क्या बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन को एडजस्ट किया गया है। सिल्वर पे रेड कलर की रॉड्स और उस पर ब्लैक कलर का ब्रांडिंग का नेम, देखिए आप देख सकते हैं क्या लुक आ रही है बाइक की। चलिए आते हैं अब इसके ओवरलुक की। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, आराम से 2 पर्सन इस पर बैठ सकते हैं।
और इसके नीचे चलते हैं, जैसे जैसे इसके नीचे चलते हैं तो इसमें एक बहुत बढ़िया सस्पेंशन दिया गया है। और फिर बैक साइड में आते हैं तो हमें मोटर दिखाई देती है, मोटर सेम बैक फ्रंट व्हील की तरह की है, इसमें भी डबल डिस्क ब्रेक दी गई हैं और इसमें व्हील्स के अंदर ही मोटर इनबिल्ट है। यहाँ पर जो पीछे वाला जो टायर है उसमें आपको हब मोटर देखने को मिलती है, जिसका जो वॉट है वो 3000 वॉट पे वर्क करती है। और यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें दे रखी हैं, डबल डिस्क ब्रेक पीछे भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील रेड कलर से पेंट हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये काफी ओवरऑल लुक जो बहुत ही बेटर देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। यहाँ पर अभी जो बैटरी परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो वो भी काफी अच्छी है। तो चलिए देखते हैं बैटरी और जानते हैं इसकी टॉप स्पीड, किलोमीटर और बैटरी इंडिकेटर, सारी चीजें देखते हैं इसकी जान बैटरी पर, क्योंकि ये पेट्रोल से तो चलती नहीं है। तो बैटरी पे आते हैं, बैटरी देखते हैं कि इसकी बैटरी कहाँ पे रखी जाती है और ये कैसे ओपन की जाती है, चलिए देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी बाइकें और बहुत ढेर सारी नॉलेज बाइक के बारे में आपको इसी चैनल पर मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उमदा क्वालिटी का बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे लगाने पे डायरेक्ट वाव कैसे ओपन होता है, बिल्कुल देखने में बिल्कुल मज़ा आ गई इसको देख के। चलिए देखते हैं, बैटरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी लगी है तभी तो ये 120 का माइलेज प्रदान करती है। देख सकते हैं इसमें लिथियम बैटरी लगी है 72.50 पावर की। ये टू टाइप मोड को सपोर्ट करती है चार्जिंग के लिए, आप डायरेक्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं और घर पे इसे निकाल के अपने घर पे भी ले जाके चार्ज कर सकते हैं। बहुत कैरी में बहुत ही हल्की, लाइट वेटेड बट परफॉर्मेंस में उमदा। आते हैं बात करते हैं इसके लॉकिंग सिस्टम की, लॉकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, हैंडल लॉक भी मिलता है इसमें और हमें मिलती है इसमें टू लॉकिंग की और टू कंपार्टमेंट की और साथ में एंटी डेप्थ का रिमोट देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का बनाया गया है। इसमें लॉक अनलॉक अलार्म और स्टार्ट मोड भी मिलता है हमें। We'll be right back.